आज की मूवी का नाम है नो वन गेट्स आउट अलाइव। इसके अलावा हाल ही में मैंने द सीक्रेट ऑफ द हाउस द बुरारी स्टेट जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है उसे एक्सप्लेन किया है, वो काफ़ी अच्छी है, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई से बात कर रही होती है। ये लड़की किसी और जगह से आई थी और ये यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रही है। वो फ़ोन पर अपने भाई से अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रही होती है। बात करते हुए वो इमोशनल हो जाती है। अब अचानक से उस रूम की लाइट्स फ्लिकर आउट होने लगती हैं और हम उस रूम में किसी इनविजिबल एंटिटी को देख पाते हैं। उस रूम में हमें कुछ फुटप्रिंट्स विजिबल होते हैं और वहाँ पर अचानक सडनली एक एंटिटी उस लड़की पर हमला कर देती है और वो उसे मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कंटेनर को जिसमें लोग इलीगली इस सिटी में आए थे और वो भी काम करने के लिए। उस कंटेनर में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एम्बर होता है जो कि एक मैक्सिकन लड़की थी। एम्बर अलग अलग जगहों पर रह रही थी क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर आईडी नहीं थी और उसकी रियल आईडी के लोकेशन से वो इस सिटी के अंदर तो नहीं रह सकती थी। और कुछ ही दिनों में एम्बर को एक छोटी सी जगह पर सिलाई का काम भी मिल जाता है। एम्बर अपने वर्क प्लेस में एक चीफ पीजी का, तो एम्बर वहाँ पर रूम लेने के लिए चली जाती है। अब एम्बर उस पीजी में आती है और हम देखते हैं कि ये वही घर है जहाँ पर स्टार्टिंग में वो लड़की थी जिसे मार दिया गया था। अब पीजी ओनर रेड एम्बर को पीजी दिखाता है और एम्बर अपने पास वाले रूम में एक लड़की फ्रेया को भी देखती है। यहाँ पर रेड बताता है कि फ्रेया और एम्बर ही दो लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर पीजी में रहती हैं। रेड एम्बर को रूम दिखाता है, चूँकि रूम की हालत बहुत ख़राब थी इसलिए ये रूम बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। रेड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये पीजी सिर्फ गर्ल्स के लिए अलाउड है और यहाँ पर कोई भी गेस्ट भी अलाउड नहीं है। रेड एम्बर से एक महीने का एडवांस मांगता है क्योंकि एम्बर के पास कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि उसके पास प्रॉपर आईडी तो थी नहीं, तो वो डिपॉजिट दे देता है। अब रात को एम्बर अपनी मॉम की फोन रिकॉर्डिंग सुन रही होती है क्योंकि उसकी मदर की एक बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। और तभी अपने नीचे वाले रूम से एम्बर को फ्रेया के रोने की आवाज आती है। एम्बर नीचे देखती है लेकिन वो कुछ नहीं करती। एम्बर सोने का ट्राई कर रही थी लेकिन उसे अपनी मदर के ड्रीम्स आते हैं जहां पर वो अपने मॉम के साथ हॉस्पिटल में थी और उसके मॉम उसे कुछ देर अपने पास रुकने के लिए बोल रही थी। वो अगले दिन काम पर जाते हुए एम्बर को फ्रेया मिलती है जिससे वो थोड़ी बात करती है लेकिन फ्रेया उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। ऑफिस में एम्बर का काम ठीक से नहीं हुआ था इसलिए उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन एम्बर की नई दोस्त किन्सी उसे चिल करती है। और अगले सीन में एम्बर इलीगली आए हुए लोगों को अरेस्ट होते हुए देख रही थी न्यूज में और किन्सी किसी न्यू आदमी से एम्बर की फेक आईडी बनवाने के बारे में बात कर रही थी। किन्सी एम्बर को बताती है कि सामने वाले पर्सन ने 1000 की जगह 3000 की डिमांड की है, जिस पर पहले तो वो परेशान हो जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाए, लेकिन वो फिर किसी तरह से इंतजाम करने का कहती है। अब अगले सीन में एम्बर अपने अंकल बैरो के पास डिनर के लिए जाती है जो कि उसके मॉम के कजन थे। एम्बर यहाँ बैरो की वाइफ और उनके बेटे कार्लोस से भी मिलती है। बैटो एम्बर को एक जॉब के बारे में बताता है जिससे एम्बर काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो उन्हें अपना बर्थ प्लेस नहीं बताती क्योंकि उसके पास प्रॉपर आईडी नहीं थी। बैटो की वाइफ एम्बर को एक कोट भी देती है और जिससे एम्बर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने इतने दिनों बाद प्यार और लगाव का एहसास किया था। अब एम्बर अपने पीजी में आती है जहाँ पर उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही थी और वो वहाँ पर जाकर चेक करती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है लेकिन बेसमेंट लॉक होता है लेकिन अंदर से कुछ तो आवाजें आ रही और वहाँ पर एम्बर को स्क्रैचिंग के कुछ निशान भी मिलते हैं। एम्बर वहाँ से झाँक कर देखने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और एम्बर वहाँ से हट जाती है। एम्बर रेड से डिपॉजिट के बारे में बात करती है क्योंकि उसे अभी पैसों की जरूरत थी, लेकिन रेड कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो अभी तो पैसे नहीं दे सकता। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि रेड एम्बर को बेसमेंट और स्टडी रूम से दूर रहने का बोल रहा था। अब एम्बर अपने रूम में आ जाती है लेकिन वहाँ से उसे फिर से अपने नीचे वाले रूम में किसी के रोने की आवाज़ आती है। एम्बर नीचे जाकर चेक करती है लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम वहाँ पर एक स्प्रिट को नोटिस कर पाते हैं। अब रात को सोते वक्त फिर से एम्बर को अपनी मॉम का ड्रीम आता है जहाँ पर वो उसे अपने पास रुकने के लिए फिर से बोल रही थी, लेकिन इस बार हम पीजी के बेसमेंट के डोर को देख पाते हैं। साथ ही एम्बर की मॉम उसे कहती है कि उसे कॉर्नर में कोई चीज दिखाई दे रही है और जब एम्बर देखती है तो वहाँ पर एक बॉक्स था जिसके अंदर से दो हाथ बाहर आ रहे थे और एम्बर की नींद यहाँ पर टूट जाती है।
अब अगले दिन एम्बर अपने बॉस से कुछ एडवांस मांगती है, जिस पर से उसके बॉस मना कर देते हैं और एम्बर को न्यू डिपार्टमेंट दे देते हैं जिसमें उसे पैकिंग का काम करना था। काम करते वक्त अचानक से एम्बर की शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और वो डर जाती है। वो पीछे देखती है लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। रात को एम्बर बार में होती है तो वहाँ पर वो किन्से से कहती है कि उसे उस फेक आईडी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसने बैटो से भी झूठ बोला है जो कि उसके माँ के कज़न थे, लेकिन पैसे अरेंज नहीं हो पाए हैं। किन्से एम्बर से कहती है कि फिलहाल वो उसे कुछ पैसे दे सकती है और बाद में वो उसके पैसे वापस कर दे। एम्बर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कुछ ही पैसे किन्से को दे देती है। रात को घर जाते वक्त एम्बर बहुत खुश थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा काम होने वाला था, लेकिन तभी वो अपने पीछे किसी को महसूस करती है। इसके साथ साथ ही स्ट्रीट लाइट अपने आप ही बंद हो जाती हैं। एम्बर पीछे मुड़के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। इसके साथ ही उस स्ट्रीट लाइट पर हम एक बटरफ्लाई को भी नोटिस कर पाते हैं। अब एम्बर वहाँ से चली जाती है और हम पीछे ही एम्बर के मॉम की स्पीड को देख पाते हैं। जब एम्बर पीछे आती है तो वहाँ पर वो बेसमेंट के डोर पर एक आदमी को सर मारता हुआ देख पाती है, जिसको इग्नोर करके एम्बर अपने रूम में चली जाती है। रात को एम्बर अपने रूम के डोर पर एक बैंग की आवाज़ सुनती है और हम उसके डोर पर एक आदमी को देखते हैं जो कि उसके डोर पर एक हाथ का निशान बना के चला जाता है, और ये निशान एम्बर ने रूम के काफी सारे डोर पर देखा था। अब रात को एम्बर किचन में जाती है जहाँ पर उसे न्यू गर्ल्स भी मिलती हैं, जिनका नाम मारिया और पेट्रा होता है। वो लोग आपस में थोड़ी बात करती है, लेकिन तभी रेड वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब एम्बर रेड से नीचे वाले आदमी के बारे में पूछती है, जिस पर से रेड ये बताता है कि वो उसका भाई है जिसका नाम बेकर है। अब कुछ देर एम्बर अपने किचन में कॉफी बना रही होती है, लेकिन तभी ऊपर से उसे कुछ आवाजें आती हैं, जिसे चेक करने के लिए एम्बर ऊपर चली जाती है। स्टडी रूम से वहाँ पर उसे एक टेप दिखाई देता है जहाँ से ही वो आवाज़ें आ रही थी, और उस टेप पर किसी तरह के राइट्स और सेक्रीफाइस की बातें चल रही थी, और ये वही रूम है जहाँ पर रेड ने उसे जाने से मना किया था। अब तक ये सब कुछ देखकर हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर कोई कल्ट वाली चीज़ ज़रूर चल रही है। एम्बर को वहाँ पर एक कपल की फ़ोटो मिलती है जिसमें हस्बैंड की फ़ोटो बिगड़ी हुई थी, और वहाँ पर कुछ एंटीक शॉर्ट्स भी एम्बर देखती है। इस रूम में एम्बर को कुछ और फोटोज उसी कपल के और उसी बॉक्स के साथ दिखाई देती हैं जो हमेशा एम्बर को उसके ड्रीम्स में दिखाई देते हैं। ये रूम एंटीक आइटम से भरा हुआ था और गलती से एम्बर से एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो फ़ोटो टूट जाती है, और हम यहाँ पर एक स्पिरिट को एम्बर पर नज़र रखता हुआ देख पाते हैं। एम्बर को वो स्पिरिट तो नहीं दिखाई देती और वो वहाँ पर फ़ोटो रखकर चली जाती है, लेकिन वो स्पिरिट एम्बर को ही किन्से को कॉल करती है जिसका नंबर अनरीचेबल था। ऑफिस में पूछने पर बॉस ये बताते हैं कि किन्से ने जॉब छोड़ दिया है, मतलब कि किन्से ने एम्बर के पैसे खा लिए हैं। अब घर वापस आते वक्त एम्बर टूट जाती है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना गुजारा कर सके, और वो किन्से को बार बार कर रही थी जिसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब घर आकर एम्बर शावर ले रही होती है और वहाँ के वाटर पाइप से उसे किसी की हेल्प मांगने की आवाज़ आती है। यहाँ पर एम्बर को एक स्प्रिट भी दिखाई देती है जो कि अपने आप ही गायब हो जाती है। अब एम्बर फ्रिया के रूम में जाकर चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और रेड आकर एम्बर को बताता है कि फ्रिया ने दो दिन पहले ही रूम खाली कर दिया है, जो एम्बर को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर फ्रिया के साथ कुछ न कुछ गलत ज़रूर हुआ है। खैर, इसके बाद रेड एम्बर से कहता है कि उसके पास पैसे आ गए हैं, तो वो दूसरे दिन आकर रेड से डिपॉजिट ले जाए, जिसे सुनकर एम्बर को थोड़ा सा अच्छा लगता है। रात को हम बेसमेंट में किसी इंसेक्ट को बाहर आते हुए देखते हैं जो कि एम्बर के रूम में चला जाता है। एम्बर उस इंसेक्ट को मार देती है, लेकिन जैसे ही वो टर्न होती है वो फिर से उड़ने लगता है, और एम्बर को अपने रूम में उसकी मॉम की स्पिरिट भी दिखाई देती है, जिससे एम्बर टूट जाती है और वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है एज वो उसका एक और नाइटमेयर था। बाहर से एम्बर को किसी लेडी के रोने की आवाज़ आती है, जिसे चेक करने के लिए वो बाहर जाती है। बाहर जाने पर एम्बर को एक लेडी की स्पिरिट दिखाई देती है। अब वो जो स्पिरिट होती है वो किसी दूसरे स्पिरिट जिसका नाम मैरी था उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, और एम्बर उन दोनों ही स्पिरिट्स को देख पाती है। मैरी यहाँ दूसरे स्पिरिट से ये कहती है कि वो उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि ऐसा करने पर आर्थर उन दोनों को ही मारेगा, और यहाँ पर मैरी और आर्थर कोई और नहीं बल्कि रेड और बैगर के पेरेंट्स थे। हाँ, यानी कि उन दोनों के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी तरह वो यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं। मैरी दूसरे स्पिरिट की हाथ पकड़ने लगती है, और उन दोनों की हाथापाई को एम्बर उस रूम में महसूस कर पा रही थी।
एम्बर अब नीचे जाती है जहाँ पर उसे दूसरी स्प्रिट बेसमेंट में बैठी हुई मिलती है, जो कि अपनी जान की भीख मांगते हुए मैरी से कह रही थी कि वो आर्थर का साथ ना दे। अब यहाँ पर हम मैरी के स्प्रिट को एम्बर के पीछे खड़ा हुआ देख पाते हैं और सडेल ने एक बड़ा सा हाथ उस बेसमेंट के पास बैठी हुई स्प्रिट को खींच लेती है। ये सब देखकर एम्बर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। एम्बर एम्बेटो को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वो मुसीबत में है, साथ ही साथ वो उसे अपना एड्रेस भी बताती है। वो ये भी बताती है कि उसके पास रहने के लिए कोई भी आईडी नहीं है और उसके साथ कैसे कैसे धोखे हुए हैं। बेटो यहाँ पर कहता है कि वो अभी तो इस टाउन से बाहर है, लेकिन वापस आते वक्त वो उससे जरूर मिलेगा। इसके बाद एम्बर रेट के रूम में जाती है जहाँ पर उसे बैकर मिलता है, जिसको एम्बर डिपॉजिट वापस लेने की बात कहती है। बैकर यहाँ पर ये बोलता है कि रेट कहीं बाहर गया हुआ है और वापस आने पर ही बैकर रेट को एम्बर के पास भेज देगा। इसके बाद एम्बर घर से बाहर चली जाती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। एम्बर यहाँ पर एक मेट्रो में होती है, वहाँ पर सडेल ने मेट्रो के लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं। वो वहाँ पर खुद को अकेला पाती है। मेट्रो के अंदर एम्बर को उसकी मॉम की स्प्रिट नजर आती है और सडेल ने उसे वहाँ पर वही मेटल बॉक्स दिखाई देता है। मेटल बॉक्स से दो बड़े बड़े हाथ बाहर आते हैं, जिससे एम्बर की नींद खुल जाती है, जो कि एक कैफे में थी। एम्बर रेड को कॉल करती है और कुछ ही देर बाद में रेड वहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे एम्बर डिपॉजिट के बारे में बात करती है। लेकिन रेड ये कहता है कि पैसे घर पर रखे हैं, तो अभी वो वहाँ पर जाकर नहीं ले सकता क्योंकि पीसी वहाँ से बहुत दूर है। रेड यहाँ पर ये भी कहता है कि उसका बैकर से डिपॉजिट वापस करने का लेकर झगड़ा हो गया है। आगे रेड ये बोलता है कि बैकर ने उसका बहुत साथ दिया है और उसका बहुत ख्याल रखा है, तो अब उसकी बारी है क्योंकि इस समय बैकर बहुत ज्यादा बीमार है। रेड यहाँ पर ये कहता है कि वो पीजी से एम्बर के पैसे वापस कर देगा और वो दोनों ही पीजी आ जाते हैं। पीजी में आने के बाद रेड एम्बर से ये कहता है कि उसके पैसे उसके रूम में रखे हैं और अपना सामान एम्बर नीचे ही रख के रूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे पैसे नजर नहीं आते। और तभी वहाँ पर रेड आता है, जिसके हाथ में शराब थी। एम्बर रेड से पैसे को लेकर पूछती है, जिस पर रेड कहता है कि उसे कॉल नहीं करना चाहिए था और वो एम्बर के पैसे वापस भी कर देता है। लेकिन बात अभी बैकर को पता चल चुकी है। रेड यहाँ पर ये बताता है कि उसके डैड एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि काफी सारे वियर्ड आइटम्स को इकट्ठा किया करते थे, और एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को ही मार दिया। अब रेड जबरदस्ती एम्बर को शराब पिलाने लगता है, लेकिन एम्बर शराब नहीं पीती। और तभी वहाँ पर बैकर आ जाता है। बैकर शराब को इधर उधर छिड़कते हुए कुछ चैटिंग करने लगता है। इसके बाद वो एम्बर को जबरदस्ती शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद बैकर वहाँ से चला जाता है और रेड भी एम्बर का फोन लेकर वहाँ से चला जाता है और एम्बर डोर अंदर से लॉक कर देती है। अब थोड़ी देर बाद में डोर पर मारिया और पेट्रा भी आते हैं, जिन्हें एम्बर अंदर बुला लेती है। उन दोनों के साथ भी बैकर कुछ करने वाला था। वो दोनों सब आपस में बात करने लगते हैं। पेट्रा यहाँ पर बताती है कि उसको यहाँ से आने के बाद अपने बेटे के ड्रीम्स आ रहे हैं और उसको पीजी के बेसमेंट में उसी मेटल बॉक्स के विजन्स भी आते हैं कि एम्बर को भी दिखाई देते हैं यहाँ। और थोड़ी देर बाद में ऊपर उन तीनों लड़कियों को औरथा के रोने की आवाज सुनाई देती है। आर्या यहाँ पर ये बताती है कि उन्हें ये रोने की आवाज रोज आती है और वो तीनों औरतें डेथ हैं। थोड़ी देर बाद में एम्बर अपने रूम में बहुत सारे डेथ औरत को देखती है और उन्हीं के बीच में उसे अपनी मदर की भी स्प्रिट दिखाई देती है। इसी बीच एम्बर को होश आ जाता है और वो देखती है बैकर और रेड रूम से आर्या और पेट्रा को ले जा रहे थे और एम्बर को वहीं पर लॉक कर देते हैं। नीचे डोर पर बेल रिंग होती है और रेड वहाँ पर जाता है। डोर पर बैठो था एम्बर का अंकल, जो कि एम्बर के बारे में पूछता है, लेकिन रेड यहाँ पर झूठ बोल देता है कि एम्बर यहाँ पर नहीं है। बैटो को ऊपर से एम्बर भी देख लेती है और वो ग्लास तोड़कर उसे आवाज लगाती है। बैटो रेड को धक्का देकर ऊपर रूम में चला जाता है और एम्बर उसे अपने रूम के पास बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बैकर आ जाता है और वो बैटो को बेरहमे से पीट कर उसे मार डालता है, जिसे देखकर एम्बर बहुत ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा सहम जाती है। अब बैकर रेड से एम्बर को लाने का बोलता है और रेड एम्बर को बेसमेंट के पास ले जाता है। यहाँ पर बैकर मारिया को बेसमेंट के पास लेकर जाता है। यहाँ पर रेड एम्बर को रेडी करते हुए उसके ऊपर कुछ चीज लगाता है और वो बोलता है कि बैकर बीमार है, जिसके इलाज का खर्चा वो लोग नहीं उठा सकते। रेड आगे ये बताता है कि उसके डैड ने ये सब शुरू किया था और आगे उसके मॉम को भी उस सब में मिला लिया था और बाद में उन्हें भी मार दिया था, जैसे कि वो बाकी लड़कियों को मारता। और बाद में रेड और बैकर ने अपने डैड को मार दिया, लेकिन फिर बाद में बैकर ने अपने लिए ही इन सब चीजों को शुरू कर दिया था। सो बेसिकली ये लोग यहाँ पर लड़कियों का सेक्रीफाइस कर रहे थे।
एम्बर यहाँ रेड के सामने गिड़गिड़ाती है और वो उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन रेड उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था। और बैकर उसके माथे पर रेड ब्लड और पाउडर लगाकर उसे बेसमेंट में लेके जाता है। बेसमेंट में जाते वक्त एम्बर को बहुत सारे लेडी की स्पिट नजर आती है और बैकर उसे एक झूल वाली जगह पर ले जा देता है, जहाँ पर एक सेक्रीफाइस वाली जगह थी, जहाँ पर मारिया का सर कटा हुआ बॉडी भी था। अब बैकर उस जगह पर उसे लिटा देता है और हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि बैकर के हाथ के जख्म धीरे धीरे खुद ब खुद भर रहे थे, यानी कि यहाँ पर इन लड़कियों को सेक्रीफाइस करने से इन लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही थी। बट यहाँ पर खुद को छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन बैकर वहाँ पर रखे एक मेटल बॉक्स, जो कि वही मेटल बॉक्स था जो कि इतने दिनों से एम्बर के ड्रीम्स में आ रहा था, से वो ओपन करके बाहर चला जाता है और उस बॉक्स की कोई चीज बाहर आने लगती है। एम्बर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैटो आ जाता है, जो एम्बर को छुड़ा कर वहाँ से ले जाता है। लेकिन बैटो तो मर चुका था, तो अभी वो यहाँ पर कैसे आ गया, जिसका आंसर अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। इसके बाद वो भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बैटो गायब हो जाता है और वहां पर एम्बर खुद को अपनी मॉम के साथ देख पाती है, जहां पर उसकी मॉम उससे अपने पास रुकने के लिए बोल रही थी। और तभी हम उस बॉक्स में से किसी चीज को बाहर आता हुआ देख पाते हैं और इधर सडनली एम्बर को एहसास होता है कि ये सब कुछ अजीब है और यहाँ पर एम्बर की मॉम उसे बार बार अपने पास रुकने का कह रही थी। और इधर उस बॉक्स से हम बहुत ही बड़े और अजीब से क्रिएचर को बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जिसका पैरों की जगह पर हाथ था, उसका मुंह ऊपर था, उसका चेहरा तो ऊपर था लेकिन मुंह उसके पेट के नीचे था। साथ ही ये क्रिएचर किसी नॉर्मल क्रिएचर की तरह नहीं लग रहा था। वो क्रिएचर धीरे धीरे एम्बर के पास आने लगता है और उसे खाने ही वाला था। और इधर एम्बर की मॉम उसे बेहोश रखने की कोशिश कर रही थी और उसे चोक करने लगती है, लेकिन एम्बर समझ आती है कि ये उसकी मॉम नहीं है और उनको मार कर रियल टाइम में जाग जाती है। यानी कि अभी तक एम्बर बेहोश थी, यहाँ पर बैटो का दिखना एम्बर का सिर्फ एक विजन था। अब जैसे ही रियल टाइम में एम्बर जाग जाती है, वो क्रिएचर एम्बर से डर कर वापस उसी मेटल बॉक्स में चला जाता है और एम्बर उसके बॉक्स को लॉक कर देती है। अब एम्बर वापस ऊपर आकर उन दोनों पर अटैक करती है और रेड को घायल कर देती है, लेकिन बैकर उसका पैर तोड़ देता है और उसे पीटने लगता है। और तभी पैट्रा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैकर उसे पकड़ लेता है और वहां से उसे सीधा नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बैकर एम्बर को मारने लगता है, लेकिन एम्बर एक ब्लेड के टुकड़े से बैकर का गला काट देती है और वही एंटिक चीज से उसे पीट पीट कर मार डालती है। एम्बर रेड को भी नहीं छोड़ती, वो उसे वही उसी बेसमेंट पे लेके जाती है जहाँ पर वो क्रिएचर आकर रेड का सर खा जाता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि लड़की हो या लड़का ये मैटर नहीं करता, ये क्रिएचर किसी का भी सेक्रीफाइस ले सकता है। अब मूवी के आखिरी सीन में एम्बर अपने घावों को नोटिस करती है, जो खुद ब खुद ठीक होने लगे थे, साथ ही उसका पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। और अब एम्बर के पास उस बॉक्स के इंसेक्ट उड़ने लगते हैं और यहाँ पर हम एम्बर को देखकर समझ पाते हैं कि वो भी उस बॉक्स की वर्शिप करने वाली है। और वहाँ पर बैकग्राउंड में हम रेड के घोस्ट को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि पीसी में जो भी इंसान सेक्रीफाइस के दौरान मरता है, उसकी स्प्रिट यही ट्रैप्ड होकर रह जाती है। और